धनबाद में कोयले की चाल धंसने से मजदूरों की मौत की घटना पर बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती नजर आ रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को दुखद बताया, तो वहीं इस इलाके में चल रहे अवैध कोयला खदानों में चल रहे खेल को लूट बताते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, ताकि सफेद पोशों के नाम का भी खुलासा हो पाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चाल धंसने के कारण सरकारी आंकड़ों में 5 लोगों की मौत बताई गई है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है। प्रशासन के द्वारा एविडेंस और शवों को वहां से हटाने के लिए कोयला माफिया और मजदूरों को 13 से 14 घंटों का पर्याप्त समय दिया गया, इस कारण ये आंकड़े सही नहीं है। प्रशासन की तरफ से अगर रेस्क्यू के लिए त्वरित कार्रवाई की जाती तो शायद हकीकत कुछ और होती। जाता है गैंता वाला नहीं, जो लोग ठेकेदार जो लोग काम कराता है माफिया जिसको बोलते हैं, वो लोग फिर पैसे वो लोग पेमेंट करते हैं, वो प्रति व्यक्ति से वो 50 रुपया लेते हैं, और उसमें से क्या कहते हैं लोकल जो प्रशासन होता है पुलिस प्रशासन होता है उसके भी लोग मिले होते हैं, कोयला खदान में जो CISF होते हैं या उनके अलग से लोग बताया कि सुरक्षा प्रतिनिधि भी होते हैं, सुरक्षा कर्मी भी होते हैं उनका अलग से, तो वो सारे लोग वो सब मिल करके, और फिर जो चुनने वाले होते हैं जो चुनने वालों को पर जितना चुनने वालों को भेजता है उस हिसाब से प्रशासन को 35 रुपया दिया जाता है। कोई हमको चुपके लोग बता रहा था रूम में, ऐसा नहीं कि भारी भीड़ में ही सारे लोग बता रहे थे हमें, और फिर जब चुन करके बोरा में लोग भरते हैं और बोरा से फिर उठा करके जो लोग लाते हैं, यानी प्रत्येक बोरा जिसको कह सकते हैं, वही जो बैठे हुए जो बताए ना ये जो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं कि उन लोगों से 80 रुपया माने वो बोरा के हिसाब से फिर वसूला जाता है। आप सब लोगों के संज्ञान में आई ही बात है, तो पिछले दिनों धनबाद के निरसा क्षेत्र में 3 कोलियरी में जो चाल धसने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, और उसमें से सरकार की ओर से जो अधिकृत आंकड़े बताए गए वो 5 की संख्या बताई गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि 5 से कहीं अधिक संख्या है। प्रशासन और ये इस बात से प्रमाणित होता है जैसे जो लोगों ने बताया जिसमें घटना घटी, तो लोकल जो प्रशासन होता है या जिला प्रशासन रेस्क्यू के लिए तुरंत जाना चाहिए, वो तुरंत लोग गए नहीं, 12-14 घंटे के बाद लोग वहां पहुंचते। 12-14 घंटे को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि गरीब जो भी मजदूर वहां दब के मरे वो लाशों को वहां से निकाल करके वो हटा सके वहां से, ताकि बहुत अधिक प्रूफ नहीं मिल सके, ताकि प्रशासन को जवाब देने में बहुत कठिनाई ना, इसकी वो लोग भरसा के प्रयास करते। और इसलिए प्रशासन की ओर से जो बातें सामने आई वो लोगों ने कहा कि ये 5 की ही संख्या 5 की ही मृत्यु हुई। फिर जब कल हम सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल ही यहां से हम लोग जा रहे थे, फिर वहां जो विधायक है निरसा के वो भी वहां साथ में को लिए, हम लोग सब बात कर लिए थे अपर्णा सेन गुप्ता जी, फिर धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी और पार्टी के प्रवक्ता सरोज जी थे और फिर सुरेश जी थे, तो ऐसे फिर हम सब ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। तो 2-3 बातें आप सब लोगों ने प्रशासन की ओर से जो बयान या अधिकृत जिसको बोलते हैं बयान वो दिया गया था, एक तो मृतकों की संख्या, लुटेरों की ही सरकार चल रही है क्योंकि ये बड़ा भयावह स्थिति है, अगर ऐसी प्रकार से लूट जारी रहा तो हमें लगता है कि शायद आने वाला समय संपदा तो जाएगा ही जाएगा,
गरीबों की जान माल भी हिफाजत या सुरक्षित नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार को तुरंत उस पर कठोर कदम उठानी चाहिए। क्या कहते हैं, लोकल जो प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन होता है, उसके भी लोग मिले होते हैं, कोयला खदान में जो सीआईएसएफ होते हैं या उनके अलग से लोग बताया कि सुरक्षा प्रतिनिधि भी होते हैं, सुरक्षा कर्मी भी होते हैं उनका अलग से, तो वो सारे लोग वो सब मिल करके, और फिर जो चुनने वाले होते हैं तो चुनने वालों को पर जितना चुनने वालों को भेजता है उस हिसाब से प्रशासन को 35 रुपया दिया जाता है। कोई हमको चुपके लोग बता रहा था रूम में, ऐसा नहीं कि भारी भीड़ में ही सारे लोग बता रहे थे हमें, और फिर जब चुन करके बोरा में लोग भरते हैं और बोरा से फिर उठा करके जो लोग लाते हैं, यानी प्रत्येक बोरा जिसको कह सकते हैं, वही जो बैठे हुए जो बताए ना ये जो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं कि उन लोगों से 80 रुपया माने वो बोरा के हिसाब से फिर वसूला जाता है वहां पर, और इसके बाद फिर उठा करके ट्रैक्टर में लादा जाता है, फिर वहां से जहां उनका डंप होता है वहां ले जाया जाता है, फिर उसकी जो वारा न्यारा जो होता है वो तो आप सबको पता होगा ही कि फिर कोयला कहाँ जाता है, कैसे जाता है। यानी मैं ये कह रहा था कि ये बिल्कुल कोई चोरी नहीं बल्कि लूट जिसको कह सकते, खुलेआम, और प्रशासन के संरक्षण में सब हो रहा है। आए दिन अखबारों में खबरें छपती रही है, लेकिन वहां देख करके कोई भी व्यक्ति जब देखेगा तो चारों तरफ किस प्रकार से वहां खुदाई होती है, कैसे ये लोग कोयला वहां से बाहर ले जाते, वो अजीब और गरीब स्थिति दिखाई पड़ा वहां पर। और प्रशासन इस बात को यानी छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि 5 लोग मरे, लेकिन जब हम अंतिम में दही बड़ा बीसीसीएल का खदान था वहां जब पहुंचे तो वहां पर एक लड़का हमसे आकर के मिला रोते हुए। उन्होंने कहा कि सर हमारी पत्नी मंगलवार को यानी पिछले अब 6 बजे सुबह वो भी कोयला खदान में दब करके वो मर गई, उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे। कहने का अर्थ है कि फिर हमने जिला प्रशासन को आते समय टेलीफोन करके ही बताया कि भाई आप तो बता रहे थे 5, आप बता रहे थे आप सब लोग कि हम लोग पूरा खदान एरिया का मुआयना किए हैं, 5 ही लोग मरे हैं और 6ठा की हमने नाम पता के साथ जिला प्रशासन को मैंने खबर कर दिया, बता दिया। तो मैं कह रहा था कि ये किस प्रकार से 5वां सरकार अधिकृत बता रहा था एक तो, और दूसरा जो बातें बताया गई थी कि भाई कोयला लोग चुन रहे थे, तो ये लग रहा था कि कोयला लोग चुन रहे थे, उसमें चाल गिरा और उसमें 10 लोग मरे, इस प्रकार के यानी भरमक, यानी कोयला की वहां कोई खुदाई नहीं होती है, भरसक प्रशासन ने इसको छुपाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब हम सब लोग गए उन खदानों में, तीनों जगहों पर गए थे, 3 खदान जैसे एक तो गोपीनाथपुर है, दूसरा कापासाड़ा है, ये दोनों ईसीएल का है, और तीसरा दही बड़ा है, ये बीसीसीएल का खदान है। गोपीनाथपुर और कापासाड़ा जो ईसीएल का खदान है यह निरसा क्षेत्र में है, और दही बड़ा ये बलियापुर क्षेत्र में है बीसीसीएल का। और वहां जाने के बाद बिल्कुल साफ दिखता है जो प्रशासन जिसको कहते हैं कि लोग कोयला चुन रहे थे और उनके ऊपर छत गिरा और चाल गिरा और लोग देख कर गए, कोई भी जाएगा व्यक्ति वहां जाकर के देखेगा तो साफ दिखता है। फिर वहां लोगों ने बताया भी कि चारों तरफ से माने कटिंग कराया जाता है कोयला को, इल्लीगल जिसको कहते हैं उत्खनन कराया जाता है, वो साफ दिखता है, ऐसे चारों तरफ दीवार में खो बना हुआ है। और वहां जो जब गिर गया दब करके लोग मर गए तो उसके बाद लोग भागे हैं वहां से, तो आज भी वहां टोकरी वगैरह बोरा वगैरह और जो कोयला निकालते उसके सामान वगैरह वहां पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर लोगों ने बताया कि इस प्रकार से
वहाँ लोग खुदाई करवाते हैं, यानी गरीब उसको उस जोखिम में डालते हैं। तो एक सक्रिय जिसको कहते हैं कोयला तस्कर या माफिया जिसको कहते हैं, वो गिरोह काम करता है और पूरी तरह से उसकी लोग खुदाई कराते हैं। अब इंटरेस्टिंग जो बातें लोगों ने बताई वहां पर खदान में, जब बैठे हुए थे भारी लोगों के भीड़ में ही लोगों ने बताया कि जो गायता लेकर के जाता है, लोगों को ले जाता है, वो पर गायता वालों से 50 रुपया लिया जाता है। गायता वाला नहीं, जो लोग ठेकेदार जो लोग काम कराता है, माफिया जिसको बोलते हैं, वो लोग फिर पैसे वो लोग पेमेंट करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।